इसी बीच गेंद पोजीशन क्या थोड़ा सा अपना संतुलन गंवाने के बाद यहाँ गेंद पोजीशन इस बार। और कई ऐसे प्लेयर्स जो है खास करके यहाँ पर जो किंगफिशर कोटका टीम से जो प्लेयर्स को हम देख पाएंगे, खास करके साधु मंडी हुए चांद जी, ये सारे इस बार जो हाल फिलहाल जो मैच हुआ जमशेदपुर जो प्रीमियर लीग था उसमें कहीं ना कहीं ये सारे टाटा मोटर्स की टीम से खेल रहे थे। तो ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स को हम आज इस शीत पहाड़ी के गोराचंद टीम रिया खासियत किए गई अभी मौज अकवा पोजीशन को बना रहा है कोई नोडे दुर्गापुर टीम से कोई बुनियाद को नहीं है ग्राउंड रे कभी गाजल मंदा जितुन तो घाती बुनियाद बड़ा हुआ को। और जब बंगाल और झारखंड रिया प्ले स्टाइल अगर मीठे खेल रहे आपसे टक्कर हुई और जहां बोल कथा है नोडे दुर्गापुर टीम नको हो बंगाल साइड रे नडी नामी ग्रामी टीम रे खेलो नडे को सजा सपड़ा हुआ को खिलोड़ी मौज गेता ना बना रेडी डिसिप्लिन सलाह बना टीम की उकार लेकिन मैच खेल बुन मैंने था उनका की बना साफ सुथरा खेल बना टीम की दुदू करा सिर्फ स्कोर रिया नुड़े दरकार बिना नुई रंजित अड़ी नामी ग्रामी खिलाड़ी रहे नुई हेलिका करा मैं खा नेता भी अगर अन्य खा इसे देखिए दर्शकों का प्यार इस खिलाड़ी के प्रति है जुनून है। और देखिए बॉल को हाथ में लेकर प्रयास करेंगे जरूर इस मैदान पर साधु जो है जो निगाह है इस मैच में टिकी हुई है कि कब यहाँ से मैच में यहाँ पर दो है ये हो जाएगा ऑफसाइड क्योंकि ये प्लेयर्स पहले से ऑफसाइड के ट्रैक में आ चुके थे। और मैं बता दूं इस मैच में एक स्पॉन्सर राशि आ गई है यहाँ जो फोर्थ ऑफिशियल मंच है उसमें मंचासीन जो फुटबॉल से काफी ज्यादा नजदीकी रहते हैं काफी ज्यादा लगाव रखते हैं हमारे घाघर यानी पंचायत के पंचायत मुखिया नायिका सोरेन की जगह पर बॉल को टपकाया है लेकिन देखे बॉल को बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर डेंजर एरिया से बॉल को निकाला है लेकिन छोटा दुर्गापुर की टीम कितना बेहतर तालमेल के साथ बॉल को लेकर बढ़ रहा है। दोनों टीम का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है और पूरे खिलाड़ी पूरे ग्राउंड का यूटिलाइज करते हुए पूरे ग्राउंड में बॉल को पास बनाते हुए देखिए खिलाड़ी बहुत ही कॉन्फिडेंस सही जगह पर पास बनाते हुए और वहां पर गुमान सिंह जर्सी नंबर 2 में पुट्टा की तरफ से खेलते हुए जबकि जर्सी नंबर 15 पहने हुए सुनील सरदार फिर से वहां पर बॉल को सही तरीके से जज नहीं कर पाए थे खिलाड़ी और फिलहाल बॉल को लेकर सुनील मांझी रंजीत और रंजीत बहुत ही तेज़तर्रार ये हिटर माने जाते हैं बॉल को लेकर अंदर घुसते हुए शॉट लगाया लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथ में रंजीत मंडी टाटा मोटर्स में नए खिलाड़ी के रहे ओनर एंड प्रोडक्ट के रहे अड़ी बेहतर प्रदर्शन के तभी हालांकि गोलकीपर अपूर्व रॉय कभी डीएम मैदान रहे दिशा कभी नहीं हो बेस्ट किल गोलकीपर या खिताब हो जीते होकर नियर चलावन साल से उना कोई लहा साल इन दिशा इधर नहीं गोलकीपर फिर से रंजीत बॉल को जीत लिया देखने दो तीन खिलाड़ी को पीछे छोड़ चुके हैं और साधु के लिए अच्छा पास यहाँ क्या फिनिश कर पाएंगे शॉट लगा लेकिन थोड़ा सा पोस्ट के बगल से बहुत बॉल जरूर पड़ा गया है क्रूर भी था लंका नोडे जल में गोरा चल सही पोजीशन रहे कदर थी ना कोई बॉल हटिंग को करा फर्स्ट टाइम रहे जल में नहीं तो भाई भाई किंग फिशर पटकावा खिलो देखो नहीं तो भाई भाई सूत्र का धकवा और अड़ी लॉन्ग पास लंबी बॉल डिलीवरी उन्हें हाफ रैंक खिलाड़ी होते थे ताकि कदर हालांकि नोडे हाई बॉल तकवा ले नोडे करो रहे हैं जरूर नोडे तो बॉक्स धो का अपना बॉक्स नाव का स्टैंड को बनाना चाहिए तंग रुपए दे जो करा अबे फेड़ो पे उड़ा कोई पक्का को हुड़ो जी हो गया उड़ा कोई फेड़ो पे कभी जी बड़ा उड़ा थोड़ा कम ध्यान को पे उड़ा बॉक्स का धो का स्टैंड ना रहे को दे जो करा खास करके अबे ठे नहर दहे ना यहां पे उड़ा कोई फेड़ो पे जितने भी बॉक्स के स्टैंड में चढ़े हैं या 14 नंबर रे कोई सुनील मांझी
जरूर सही ठिकाना रहे उन्हें सुनील सरदार बनाया जरा मनखन बड़ा टीम बिहारी मौज जाती चलो हाँ निधवी नवा मैच रहे छोटा दुर्गापुर टीम पहाड़ टीम हो उन्हें नजदीक कोई शॉट या मौका भी कोई हमका हुआ तो जितने के प्रयास में है लेकिन प्रेम टुडू से सुनील मांझी घोराचल बहुत ही स्किलफुल खिलाड़ी है और वहां पर जिस तरह से पास पड़ा गुमांग सिंह बहुत ही साफ सुथरा खेल और ऐसा मैच देखकर निश्चित रूप से दर्शक काफी ज्यादा आनंदित होंगे अरे खुशी कोई कवा लिया बीच रहे उन्होंने बोले जीतो दसी 50-50 बॉल रहे चांस जरूर मेनखन गोलकीपर डाइव लगाओ करते हैं उन्होंने बीटे मौका जरूर बनाओ करा फुटका टीम विरुद्ध रहे फिर से डेंजर एरिया रहे बॉल सही क्रॉस मौका जरूर सर पुटका टीम झटका को मादाड़ी को गया मैंखान अलग बात करा फर्स्ट हाफ रियागाती रहनी थो बना टीम शून्य शून्य रहे बिना किरण लेकिन जरूर आपका राय जानना चाहेंगे रिंकू जी कि यहाँ पर जिस तरह से दोनों टीम ने अभी तक खेल है और गत वर्ष भी इस मैदान पे वो खेले थे और जी बिल्कुल दोनों टीम से हमें उम्मीद है कि कम से कम अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाए और जल्द से जल्द हमें गोल का दर्शन कराए क्योंकि अगर किसी भी टीम से गोल हो जाती है तो गोल के बाद मैच में मजा आ जाएगा देखने में और क्राउड के बीच में कोलाहल भी यहाँ पर हमें सुनने को मिलेगी लेकिन अभी वक्त है तकरीबन ये फर्स्ट हाफ का लगभग 19वां मिनट के लगभग मैच रेगुलेशन टाइम में क्या करेंगे यहाँ से कौन सा टीम यहाँ पर पहला गोल लागेंगे ये देखे रंजीत लेकिन यहाँ से अच्छा वापसी टीम के कैप्टन वहां अमल टीम के बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं लंबा अनुभव है इनका और इस ग्राउंड पर ये खेल चुके हैं इसलिए अमल बास्की का और जब इस ग्राउंड पर जब प्रथम साल आयोजन हुआ था 2021 में तो अमल बास्की के नेतृत्व में ही यहाँ पर वो टीम शायद यहाँ रोल रहा है पहले से ही और ऐसे में वहां पर इस बार हम देखेंगे 8 नंबर गोरा चांद था आपका शॉट लेकिन गेंद डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस बार टीम के कैप्टन अमल तेजी से आगे बढ़ते हुए और अमल और गोरा चांद के बीच में ये आपसी फैसला चल रहा है दोनों की अच्छा खेला है दर्शकों के दिलों को जीत लिया है अपने एक बहुत ही बेहतर वहां पर परफॉर्मेंस देखा गया और मालदा की टीम ने आज कहीं ना कहीं पेनल्टी शॉट के माध्यम से मैच को जीत लिया है और इस प्रकार का जो रिकॉर्ड था हमें इस साल 2023 तो टीम के मैनेजर का बहुत ही अच्छा सोच रहा है क्योंकि अभी भी वो काफी है और इसी बीच हम देखेंगे जिस प्लेयर्स को उतारा गया है कुंजन टुडू ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर संजोग बेड़ा जैसे बड़े टूर्नामेंट में इनका जो जलवा है देखने को मिल चुका है हैट्रिक गोल लागने वाले वो खिलाड़ी है और इससे पहले जो हमारे बीच में जो खेल हुआ वो मालदा टीम से वो भी कुछ इसी तरह मिलता जुलता नाम था जिन्होंने रिटेन गोल दाग कर और पेनल्टी शूटआउट यहाँ से शॉट लगाया था यहाँ पर आपका लग रहा है तकरीबन अंतिम चरण की ओर मैच अग्रसर हो रही है फर्स्ट हाफ का और इसी समय पर दोनों टीम से एक एक जो परिवर्तन आया है सब्स्टिट्यूट बेंच से ये परिवर्तन कितना कारगर सिद्ध होगा इनके लिए क्या बचे हुए फर्स्ट हाफ के मैच में यहाँ से गोल आएगा इसी बीच 16 नंबर जो अभी तक जो कुंजन टुडू आए हुए हैं रिप्लेस होकर मीगी अगर पूरा ड्रेस सितार लतार तहन खाए उन्हारे अलग ही मजा आ किंग फिशर फुट का टीम ना इस सप्ते उनकुआ जर्सी उनकुआ उनका सोच से लेकर हर चीज अड़े मौज जीता कुआ और खेल अगर नुआ मैच रहे अगर जल खाए अड़ी जस्ती नुको छोटा दुर्गापुर टीम पहाड़ टीम हो नुआ मैच को प्रभावित कर इनम दबाव वाला मैच रहे हो इनम मौज उनकुआ सामना में खान ने और इस तरह से कोई खिलाड़ी आगे कोई और बोलता है कि ना जो तोहर को उम्मीद था आप से नोड़े साधु मंडिया नोड़े कमाल उनिया चमत्कार हुआ और उनका कारनामा वो तो करते नोड़े साधु मंडी टीम कैप्टन आया टीम 1-0 या बढ़ाते दिलावा कुआ
खिलोड़ रिया लगभग 26 मिनट आसपास रे गोल किदा ला पहिल हाफ रे आर कमाल का ते साधु मंडी उतरे तीगु बड़ा का था जेल का बड़ा गया बोल अक्सर का फिनिशर से स्ट्राइकर को ताहेदा और उनारी अगर रूल अपना तो नहीं गोल कीपर है बीट की दिया और अडी सही जगह रहे मीटे सही खिलाड़ी पहचान उदू किदा जे स्कोरर खिलाड़ी नवा क्षमता हुई जेड़ करा निन्नो मोई प्लेसमेंट और सही नियंत्रण के साथ अगर यहीं पर कोई नए खिलाड़ी होते हैं तो मुझे लगता है इस नीरो एंगल से गोल नहीं कर पाते हैं मुझे लगता है सुशील। लेकिन जिस तरह से साधु इसीलिए वो जाने जाते हैं और इसीलिए ये खिलाड़ी हमेशा चर्चा में रहते हैं और हमेशा कहा जाता है कि जब मैटर बड़े होते हैं तो वहां साधु मांडी खड़े होते हैं और साधु ने वो चीज वो कारनामा करके दिखाया जो दर्शकों को उम्मीद थी। और सच में कुछ समय तो ऐसे लग रहा था जिस प्रकार से गेंद को लेकर के जा रहे थे लगभग जीरो डिग्री के एंगल में लगभग लेके जा रहे थे जहां से गोल की उम्मीद बहुत ही कम किया जा सकता है लेकिन बोल में उस प्रकार का डायरेक्शन उन्होंने क्रिएट किया कि यहां से सेकेंड पोस्ट में आखिर करके गेंद समा गई और फर्स्ट हाफ के लगभग लगभग आखिरी समय पर ओपोनेंट टीम के ऊपर इस गोल से दबाव बनता हुआ मेंखा नोडे जैसे आया जगह रखदा और साधु मंडी अडी कोम की अगर मेल खाए सेंट्रल स्ट्राइकर रहे मौका दे नाम का मेंखा नमुमन बुट नेल करा रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी जब सेंट्रल लगाती कूदू कदा नुकू हो मौका को नाम का गया।